नशा और दहेज प्रथा कुरीतियों को दूर करने के उद्देश्य से पुस्तकों की सेवा की। संत रामपाल जी महाराज के अनुयायियों ने कुम्हराज तहसील के ग्राम तुलसी खेड़ी में आध्यात्मिक पुस्तकों का वितरण किया गया। संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक ज्ञान गंगा में जानकारी दी गई है कि जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा। कबीर परमेश्वर ने सभी धर्मों के लोगों को संदेश दिया कि सब मानव एक परमात्मा के संतान हैं, सभी आपस में भाई भाई हैं, हमें आपस में मिलजुल कर रहना चाहिए। जिला सेवादार करण दास ने बताया है कि संत रामपाल जी महाराज जी की पवित्र पुस्तक ज्ञान गंगा सेवा करने का मुख्य उद्देश्य है कि आज समाज में जातिवाद छुआछूत को मिटाना है। समाज में बहुत सारी बुराइयाँ हैं, जैसे ताश खेलना, मांस खाना, शराब का पीना, दहेज प्रथा, रिश्वतखोरी। इस किताब में ऐसी बातें लिखी गई हैं सभी धर्मशास्त्रों पर प्रमाणित करके संत रामपाल जी महाराज ने, जो यह पवित्र पुस्तक ज्ञान गंगा जो पढ़ लेता है इन सभी बुराइयों को छोड़ देता है। विश्व को सद्भक्ति देकर मोक्ष प्रदान कराना है। पुस्तक सेवा में उपस्थित सेवादार जिला मीडिया सेवादार कमल दास, तहसील सेवादार मुकेश दास, बिहारी दास, भजन दास, मुरारी दास, मंजू दासी, प्रेम दासी आदि भगत और बहनों ने पुस्तक सेवा की। आपका क्या नाम है? डॉक्टर करण सिंह गुर्जर। आज ये कौन से गांव में पुस्तक सेवा की आपने? ये कुम्हराज तहसील के तुलसी खेड़ी ग्राम में पुस्तक सेवा हुई है। इन पुस्तकों सेवा करने का मेन उद्देश्य क्या है? इन पुस्तकों का सेवा करने का मेन उद्देश्य है, जैसे कि जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा, सभी धर्म शास्त्रों से प्रमाणित संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित ये पवित्र पुस्तक ज्ञान गंगा है। इस किताब को पढ़ने से शराब, मांस और दहेज लेना देना, रिश्वत खोरी कोई भी पढ़ लेता है, इन सब आदि बुराइयों को छोड़ देता है। तो जन जन तक इस सद्भक्ति के ज्ञान को पहुंचाने के लिए गांव गांव और घर घर में सब संत रामपाल जी महाराज के अनुयोग द्वारा इसकी पुस्तक सेवा की जाती है। अपडेट मीडिया के लिए कुम्हराज से इदरीस मंसूरी की रिपोर्ट।